मसीह खुदा में आपकी सलामती हो। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलडीए क्वार्टर में, जहाँ पे बाप और बेटे के दरमियान में लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे को जो है वो जान से मार दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा हैं। मैं उनसे जानूंगा अभी कि आखिर यहाँ पे वजह क्या बनी कि बाप और बेटा दोनों आपस में लड़े और दोनों ने फायर मार के एक दूसरे को शूट कर दिया। जी माँ जी, तुम इस वाक्य को किस तरह वेख दे की बनाया थे? पुत्र मैनू नहीं पता, मेरा पुत्र सी ओ मेरा बंदा सी जिन्हें मार दिता अपना पुत्र। मैं तो सवेरे बच्चे स्कूल छड्डन गई हां, छत पाउन आ गए ने छत वाले, इन्नी देर दे विच उन्हें बाने दे नाल तां चढ़िया तो उहदे मगरों फायर मार दिता। नाजरीन, ये एरिक भट्टी की वालदा हैं जो कि यहां पे बैठी हैं और हम इनसे पूछ रहे हैं कि ये सारा वाकया कैसे हुआ। बड़ा कुछ किया, मेरी दोवे लत्तां दे फेर मारे सी, मेरे बच्चे छोटे छोटे सी, बड़ा कुछ करता रहा है, बड़ा कुछ करता रहा है, सुला सला हो गई, फिर इन माफी देती, बच्चे उदो तंडिगे निके सी जवान हो गए। अच्छा। बड़ा कुछ इन्हें किया, हुण 26 साल पिछो फिर आ गए, मेरे बच्चों का वैरी बन गया, मेरी नूह नूं मार देण लगा सी इत्थे, अंदर भज के वड़ गई है। अच्छा। हाँ, मेरे भतीजे नूं पैर लगा, करे ओह हस्पताल लै गए ने उहनूं वी। फिर क्या होया, मतलब बाप और बेटे की आपस में लड़ाई? इह गल लिखी सी मलेदार हां ते इह जिहड़ा बच्चा सी एरिक, खुदावंदी रहमत ना इस बंदे नू पूरे पिंड ने कुछ 3.5 लाख दे हार पाके चोरी बनाया, ते चोरी बंदा उदो बनांदा जदों इंसान दे सार सही हुंदे ने, जदों बंदा कोई पाक दमन हुंदा। इस बंदे ने साडे इलाके दे विचों मनशियात चरस जो इत्थे जुआ सी बंद कराया, बंदे ने इस पिंड दे विच रिकॉर्ड पैदा कीता इहने, और इह जिहड़ी चीज़ है अज कल कल परसों तक प्यो पुत्तर सही सी, इह अज दा वाकया सुबह दा, प्यो ते छत पा रहा है, एरिक भट्टी छत पा रहा, छत पाने तो बाद थले आया प्यो, इंदा थले उत्ते फिर गया, दस दिन दो मजदूर लगे ने, इन्हें मारिया सीधा मुंडे नूं फैर मारिया, एरिक भट्टी नूं पुत्र अपने नूं फैर मारिया, खैर फैर बंदे की अख दे विच वै फैर हो गया, अख च फैर सीधा मारिया, फैर फैर तो बाद थले उतरिया, थले उतर के डिग पिया, थले उतर के फिर आ गए बाहर, ए सुनिया ए बूआ जिहड़ा सामने इत्थे दो दिन फैर मारे ने उन्हें बाहर, इतने फैर मार के फिर बच्चा बुच्चा का मसलन चक्कर च रहा, एक होर मुंडे ने फैर मारे, वो मुंडा बच गया, वो मुंडे को फैर लंघ गया, आप ही फिर उत्ते चढ़िया, फिर दोबारा गया उत्ते, उत्ते दस दिन भी उत्ते गया, देख के फिर देखिया भी ये बंदा मर गया, फिर इन्हें अपने बनेरद खलो के अपने आप में फैर मारिया, इन्हें अपने आप बाबे ने प्यो ने अपने फैर मार के उत्तों डिगा थले फिर डिगा आ गए। अच्छा। यह वाकया जनाब यह गल है, और इन्ना पांच बच्चे ने एरिक दे पांच बच्चे ने, चार बेटे ने एक बेटी आँदी, तो जनाब एहो जिहा सानिया है पूरा पिंड जिहड़ा रोंदा पिया एरिक दी एरिक भट्टी दी वजह नाल, भी एरिक भट्टी इक हीरा बंदा सी, और उहदे च कोई शक नहीं गा, ना कोई मनशियात, ना कोई सिगर, ना कोई नशा, ना कोई रंडीबाजी उस मुंडे च नहीं सीगा, और पूरा पिंड उहदी कदर करदा सी, पूरे चर्च उहदी कदर करदे सी, को वाकया बन गया, तो पूरे पिंड दे पादरी मगर गए ने, उहने कहा नहीं इह साडा चुणिया सदर है, तो जनाब यह होनी किस तरह वारद होई है। होनी जी गुजरी है ना जनाब, तौबा तौबा करनी चाहिए, खुदा बंदा तो माफ करी, और नेक बच्चा और अच्छा बच्चा, और दुबई गया, दुबई 5-10 दिन हो दुबई आया, दुबई गया यही कह रहा, कहता सानू मिले, उन्हें कहा यार मैं सोच रहा मेरे निके निके बच्चे ने, तो इन बच्चों से मैं कुछ बना जावा, कदा पता कौन गा, तो यह बच्चों मेरा होस्टल के भी इनका दाखला दुखला करा लिया बच्चों का, उदू बाद सोच रहे मैं चले जा यार मैं बहर, तो कोई 2-4 साल ला के बहर मैं, तो इंशाल्लाह खुदा करेगा चाचू आ के फिर बच्चे लैफ सीधी करा, ए जनाब वाकया यह गल यह बात यह तरीका हो सारा कुछ। उस बीबी दे भी अपने दे प्यो ने अज तो 15 साल पहले लत्त च फैर मारिया सी, यानी कि एरिक दे बाप ने बाप ने।
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਲੱਤ ਵੀ ਫੈਰ ਵੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੋ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਰਕ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੁਆਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਲੰਗ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਹ ਮਾਲ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਹਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਗੂਟੀਆ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਐਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਮਗੀਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰ ਗਮਗੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭੋ ਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਐਲਡੀ ਕੁਆਟਰ ਏ ਬਲਾਕ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੂੰ यहाँ पे जो हमारे कृष्ण लोगों के हीरो थे हीरो गिने जाते थे जो यानी कि कृष्ण लोगों के शेर उसको कहा जाता था वो आज मौत की घाट उतार दिया गया है पता नहीं रीज़न क्या बनी है क्योंकि बाप और बेटे में लड़ाई उसको शूट कर दिया गया है और वो कैथोलिक लोगों के लिए और तमाम कृष्ण लोगों के लिए एक फ़ख्र का बाइस था क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली पहले भी पिछले साल यहाँ पे हुआ और उसकी वजह से हम आज सारे क्रिश्चियन सेफ थे लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि उसके पीछे उसके चार बच्चे हैं उनकी मिसिस है और उनकी मदर है जो देखी नहीं जा रही और उसने बाप ने शूट किया है बेटे को और बाद में बाप ने खुद ही अपने आप को शूट कर लिया है।